हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल के बारे में। एक्सेल क्या है, कैसे यूज करते हैं और एक्सेल होता क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आखिर एक्सेल होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, एक्सेल एक क्या होता है, एक अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक्सेल क्या है, एक अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या होता है, पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। जैसे सबसे पहले इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एमएस वर्ड। इसके पहले क्या पढ़े थे? एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज सॉफ्टवेयर। लेकिन हाँ, अंतर क्या समझिए, जो एमएस वर्ड हम लोग पढ़े थे ना, तो एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और जो हमारा एक्सेल है, ये डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डाटाबेस का मतलब क्या है, यानी कि समझिए, जब आप वर्ड पे काम करेंगे तो आप नॉर्मली कोई लिस्ट तैयार कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कोई बुक तैयार कर सकते हैं। लेकिन कहीं आपको डाटा एंट्री करना है, तो डाटा एंट्री के लिए ज्यादातर किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक्सेल। किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक्सेल। इनके देखा जाए ना, तो कहीं भी आप जाएंगे, जब आपको डाटा एंट्री करने की बारी आएगी, आप किसका यूज करेंगे? एक्सेल। इतना क्लियर है ना? ध्यान दीजिए, सबसे पहले पूछा एक्सेल क्या है। हम ये कह सकते हैं कि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो एक डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अलग 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 कंपनियों या फिर अलग अलग स्टूडेंट का डाटा एंट्री हम कर सकते। इतना क्लियर है? अब सबसे पहले हम लोग बात करें एक्सेल का। ध्यान दीजिए, एक्सेल ओपन करने का बहुत सारा तरीका है। आप लोगों को शॉर्टकट की बनाना ही बता दे रहे हैं। और एक्सेल ओपन करने का शॉर्टकट के क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करें? आज समझे ना, इससे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, हेडिंग दे देंगे पहले। क्या हेडिंग दे दीजिए? एमएस एक्सेल इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। हो गया? लिखिए एमएस एक्सेल का पूरा नाम, एमएस एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, यह एक डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यह एक डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। होता है जो एमएस ऑफिस का, जो एमएस ऑफिस का, एमएस ऑफिस का एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। पैकेज सॉफ्टवेयर होता है एमएस एक्सेल को, एमएस एक्सेल को, एक्सेल को वर्कबुक के नाम से भी, एमएस एक्सेल को वर्कबुक के नाम से भी, वर्कबुक के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम, एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम .xlsx होता है। .xlsx होता है। ऊपर लिखे हैं, देखिए यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा वाइट एरिया लेके आ जा रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है,
डॉट एक्स एल एस एक्स होता है, हाँ एक्स एल एस एक्स होता है, एक्सटेंशन नेम क्या, ये क्लियर सबको ना, क्योंकि एक्सटेंशन नेम क्या करता है, हाँ एक्सटेंशन नेम ही बताता है कि आपका जो फाइल वो किस टाइप का फाइल। हाँ सबको हैप्पी न्यू ईयर, बस दुख इस बात का है तुम लोग पढ़ने नहीं आए हो क्लास में। इतना क्लियर सबको, ये एमएस एक्सेल क्या है, क्लियर हो रहा है ना। अब चलिए अब सबसे पहले हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में, आखिर जब हम एक्सेल ओपन करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करना जानते हैं, तो या तो आप सर्च बॉक्स पे आइए और यहाँ पे लिख लीजिए एक्सेल, क्या लिख लेना है एक्सेल, तो लाइट ऑफ कर दीजिए, क्लियर दिखाई देगा, चले जाओ। हाँ यार क्या लिखना होगा आपको, सर्च बॉक्स में आना है और यहाँ आने के बाद क्या लिखना है, एक्सेल, बस एक्सेल लिखना है, क्लिक करेंगे तो भी आपका एक्सेल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्लियर है ना। नहीं तो फिर आप विंडो के साथ क्या करिए, आर बटन दबाइए, विंडो के साथ कौन सा बटन, और इस पे आपको लिखना है क्या, एक्सेल, क्या लिखना है, तो भी एक्सेल क्या हो जाएगा, वो दो तरीका हो गया। तीसरा क्या है कि यदि आपको नया वर्कबुक बनाना है, पहली बार काम करना है, तो राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने से कहाँ आ जाइए, न्यू, और जब न्यू पे आएंगे ना तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, क्या दिखाई देगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, क्लिक करिए, क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या, एक्सेल का फाइल दिखाई देने लगे, ओपन करिए इसको, जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे आपका एक्सेल का फाइल क्या हो जाएगा यहाँ पे ओपन, क्लियर है ना। अब चलिए सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर एग्जाम जब आप लोग देंगे ना तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सेल का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, ध्यान रखिएगा इसका बाय डिफॉल्ट फाइल नेम बुक वन होता है, क्या होता है, बुक वन, बुक का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग फाइल सेव करते थे एमएस वर्ड का ना, वो डीओसी सिर्फ आता था ना, डीओसी यानी कि डॉक्यूमेंट का फाइल, जब क्या आता था डीओसी, और जब एक्सेल का फाइल सेव करेंगे बाय डिफॉल्ट किस नाम से आएगा, बुक के नाम से, इतना क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिए जैसे कि अगर हम यही एक्सेल ओपन कर दे, विंडो आर की एक्सेल लिख के एंटर कर, हमने कुछ काम कर दिया इस पे, और वो क्या करना, हमको सेव करना है, फाइल पे गए फिर कहाँ गए, सेव, जब सेव पे आने के बाद से हम आगे आ रहे हैं, अब जैसे इस फाइल को हम सेव करने जा रहे हैं ब्राउज पे, ब्राउज पे हमने क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने से नीचे आप नाम देखें बाय डिफॉल्ट क्या नाम लिख के आ रहा है, ध्यान रखिएगा कि जब भी हम फाइल को सेव करने जाएंगे बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, बुक वन, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे एमएस वर्ड का क्या था डीओसी यानी कि डॉक्यूमेंट आता था, वैसे एक्सेल का क्या आएगा, बुक वन आएगा, और यदि आप नाम हटा दूसरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिए कि बाय डिफॉल्ट नेम है, आप कोई नाम दीजिए या ना दीजिए, लेकिन बुक वन नाम वहां पे ऑलरेडी आएगा, क्लियर सबको ना। तो अभी तक हमने ये जाना कि एक्सेल होता क्या, तो एक्सेल का हमने ये बताया कि एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसका एक्सटेंशन हम आपको बताया क्या, डॉट एक्सएल एक्सएस होता है। अब इसका ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब हम एक्सेल ओपन किए, क्या ओपन किए, तो जब हम एमएस वर्ड में थे तो जिस पेज जिसपे हम लोग काम करते, जो हम लोग का वर्किंग एरिया था ना, उसको हम लोग पेज बोलते थे, क्या बोलते थे, पेज बोलते थे, लेकिन जब एक्सेल में आ जाएंगे ना तो एक्सेल में इसको सीट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यानी कि आप ये पेज नहीं होगा बल्कि सीट होगा, क्या होगा, और सीट जो है ना वो रो और कॉलम से मिलके बना होता है, किससे, रो और कॉलम से, जो एक दिन आप लोग बताए थे रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, हाँ रो, जहाँ जब रो और कॉलम मिले तो किसका निर्माण होगा, एक सीट का निर्माण होगा, किसका, सीट का, और जहाँ रो और कॉलम एक पास मिलते हैं वहां पे एक सेल का निर्माण होता है, वहां किसका निर्माण होता है, सेल, इतना क्लियर है ना। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है,
तो सबसे पहले यदि आप एक्सेल ओपन करेंगे आपको सबसे ऊपर वाला जो इंटरफेस दिखाई देगा ना, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। और उसके आगे जाएंगे ना तो इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। जितना रेड एरिया दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल। ये क्या होता है हमारा? टाइटल। और इन सबको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन। और जब कंट्रोल बटन के नीचे आएंगे इसको हम बोलते हैं क्या? टैब या मेनू बार। क्या बोलते हैं? टैब या मेनू बार। और उसके नीचे जब आएंगे तो इसको बोलते हैं रिबन या कमांड। यानी कि सबसे पहले ये क्या था? क्विक एक्सेस। उसके आगे टाइटल। टाइटल बार के आगे कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन के बाद जब यहाँ पे आएंगे तो ये क्या होगा? टैब या रिबन। क्या होगा? टैब या रिबन। टास्क बार तो ये नीचे वाला है ना, ये वाला है टास्क बार। तो ये इतना क्लियर हो रहा है ना। अब उसके आगे जब जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं रिबन या कमांड। इन सबको क्या बोलते हैं? रिबन या कमांड। इतना क्लियर है। और जब आगे आएंगे ना तो ये जो आपको बेसिक्स अभी दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, पहले ये जो अल्फाबेट ये जा रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ना अल्फाबेट, तो ये आपका कॉलम है। ये क्या है? और जो न्यूमेरिक है ना, ये लेफ्ट से किधर जा रहा है? राइट की तरफ जा रहा है। तो ये आपका क्या है? रो है। ये क्या है? तो जहां रो और कॉलम मिलते हैं वहां हमने बताया एक सेल बनता है। वहां क्या बनता है? एक सेल बनता है। इतना तो क्लियर हो रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जहां पे रो और कॉलम मिलते हैं वहीं पे क्या बनता है? सेल। और वही सेल नेम दिखाता है किसमें? नेम बॉक्स। इसमें दिखाता है नेम बॉक्स। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी बी सिक्स बता रहा है ना, तो बी का मतलब बी कॉलम है। बी क्या है? कॉलम। और सिक्स क्या है? रो। यानी कि अभी हम जो कर्सर रखे थे ना वो यहाँ पर था। यहाँ का मतलब क्या? कॉलम नंबर बी और रो नंबर। इतना क्लियर है ना? उसे एड्रेस ही बताएगा। इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। और नेम बॉक्स का काम क्या है? एड्रेस को बताता है जहां पर हम सेल अपना रखे रहे। इतना क्लियर है ना? अब उसके बाद जब आएंगे ना तो इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। जो भी हम किसी सेल में टाइप करेंगे ना, वो सेल में तो दिखाएगा ही दिखाएगा, साथ साथ में फार्मूला बार में भी दिखाई देगा। इतना लगभग क्लियर हो रहा है ना? सबसे पहले हमने आपको बताया क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, कंट्रोल बटन, क्या इसको क्या बोले, मेनू या ये ऊपर वाला मेनू या टैब, उसके नीचे हमने बताया रिबन या, उसके बाद आगे नेम बॉक्स जो सेल एड्रेस बताएगा, और उसके आगे हमने आपको बताया फार्मूला। ये क्या होता है? फार्मूला। तो यहाँ तक क्लियर है ना? अब इसके नीचे आ जाइए तो एक चीज और हमने आपको बताया कि जहां पे आपका मिलेगा क्या, ये जो अल्फाबेट मिलेगा, ये टोटली आपका अल्फाबेट जो जा रहा है ना, ये कॉलम है। ये क्या है? यानी कि कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, जो ऐसे जा रहा है आपका क्या है? कॉलम। क्यों कॉलम बोलेंगे इसको? ध्यान दीजिए, जैसे हम यहाँ ए पे क्लिक करेंगे ना, देखिए कहाँ सेलेक्ट कर रहा है? नीचे की तरफ ही सेलेक्ट कर रहा है ना। और यहाँ क्लिक करती अपने सामने सेलेक्ट कर रहा है। इतना समझिएगा, जो ऐसे जा रहा है, जो क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ये आपका क्या है? कॉलम है कि रो है? रो। और जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है वो क्या है? कॉलम। तो कॉलम की संख्या को काउंट करना है, तो कहां से काउंट करेंगे? ये काउंट करेंगे ना, ए बी सी डी ए, यही ना, एक एक कॉलम काउंट करते जाएंगे। ये एक कॉलम है, ये दो कॉलम है, ये तीन कॉलम, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ऐसे काउंट करते हुए चले जाएंगे ना। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेल में टोटल कॉलम की संख्या होता है 16384। एक्सेल में टोटल कॉलम की संख्या कितना होता है? 16384। एक्सेल पे यदि हमको काम करना है तो जो ये हमारा दे रहा है ना कॉलम, ये कॉलम टोटल हो जाएगा 16384। क्लियर है ना? तो फिर रो की संख्या कितना होता है? तो रो की संख्या होता है 1048576। कितना होता है? 1048576। चलिए नोट कर देना, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग। टोटल कॉलम की संख्या कितना होगा?
कॉलम की संख्या होगा 16384 और रो की संख्या 10,48,576 10,48,576 लास्ट नंबर क्या होगा बता रहा है, लास्ट यही होगा, कॉलम रो की संख्या क्या होगा 10,48,576 लास्ट होगा, और जो कॉलम होता है ना लास्ट होता है एक्स एफ डी, नोट कर लिए लास्ट कॉलम नेम एक्स एफ डी होता है। लास्ट कॉलम नेम क्या है? एक्स एफ डी, एक्स एक्स, देखो यहाँ ऊपर लिखे एक्स एफ डी। जब भी कहीं ये ज्यादातर एक्सेल एग्जाम के समय पूछा जाता है, पूछा जाए एक्सेल में टोटल कॉलम की संख्या तो 16,300, टोटल रो की संख्या 10,48,576 और यदि ये पूछा जाए कि एक्सेल में लास्ट कॉलम का नाम क्या है एक्स एफ डी, लास्ट कॉलम नेम क्या होगा एक्स एफ। चलिए अब लास्ट कॉलम और लास्ट रो पे जाने का तरीका बताते हैं, समझिएगा। और हम यहाँ कर्सर रखे थे, बता रहा है E6, E का मतलब क्या है कॉलम और 6 का मतलब क्या है यहाँ रख दिए, तो बता रहा है J और 14, तो J का मतलब क्या है कॉलम और 14, ये 14 का मतलब क्या होगा, ये क्या बता रहा है नेम बॉक्स यानी कि सेल का एड्रेस बताएगा कि जहां पे आप ये कर्सर रखे उसी का नाम बताएगा, इस सेल का क्या नाम है तो F3 यानी कि F क्या है कॉलम और 3 क्या है। तो सबसे पहले हमने पहले वाले प्रक्रिया यानी कि A1 सबसे फर्स्ट वाले, क्लियर है ना। अब यहां से हमको करना क्या है तो सबसे पहले जाना है लास्ट कॉल लास्ट रो वाले, कहां जाना है लास्ट रो, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाएंगे, किसके साथ कंट्रोल के साथ डाउन एरो। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आया 10,48,576 यानी कि आप ये इतने रो पे आकर के काम कर सकते, इतना क्लियर है ना। अब इसके आगे हमको जाना है कि इसके लास्ट कॉलम पे ना, तो पहले ध्यान रखिएगा लास्ट वाले रो पे आने के लिए हमने कंट्रोल के साथ डाउन एरो का प्रेस किया, किसका यूज किए डाउन एरो, क्लियर है। और फिर ऊपर जाना तो किसका इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल के साथ अप एरो का, सबसे ऊपर आ जाए, नहीं तो वैसे सिर्फ डाउन एरो प्रेस करते रह जाएंगे आपको बहुत ज्यादा समय लग जाए नीचे जाते समय। अब देखिए कैसे बढ़ रहा है, अभी हम लोग कहाँ पे आए हैं 200 के आगे अभी हम बढ़ रहे, कितना 300 दबाए रख, लेकिन कंट्रोल साथ करें थे कई बार में ऊपर और कई बार में। अब लास्ट कॉलम पे जाना है ना, तो पहले कंट्रोल के साथ राइट एरो, देखिए लास्ट कॉलम का नाम क्या दिया है एक्स एफ। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि एक्चुअली में इस आखिर में कॉलम का नंबर कितना होगा, आया समझ में ना। उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला लगा ले और एक बार ध्यान दीजिएगा, एक्सेल टोटली फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है फॉर्मूला, कि आपको जो भी छोटा बड़ा जो भी काम करना होगा तो किस क्या लगाना होगा फॉर्मूला, और कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला से पहले आपको इक्वल टू लगाना जरूरी होगा, चाहे आप बिल्कुल छोटा सा फार्मूला लगाइए और चाहे आप बिल्कुल बड़ा सा फार्मूला लगाइए, शुरू में आपको क्या लगाना होगा इक्वल। तो यहाँ पर हमको पता करना है कि टोटल कॉलम की संख्या ही पता करना है ना, तो लिखेंगे इक्वल टू और फिर लिखेंगे कॉलम ब्रैकेट ओपन क्लोज और बता रहा है लास्ट कॉलम का नंबर कितना है 16,300। तो ये क्लियर हो रहा है ना, सबसे पहले हमने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, बताया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है एक वर्कबुक, एक डाटाबेस एप्लीकेशन आपको जिसका दूसरा नाम वर्कबुक होता है, दूसरा नाम क्या है वर्कबुक। जब ओपन करेंगे तो इसमें एमएस वर्ड के जैसा हमको पेज दिखाई नहीं देगा, क्या नहीं दिखाई देगा एमएस वर्ड के जैसा कोई पेज दिखाई नहीं देगा, इसमें सीट होता है, इसमें क्या होता है सीट होता है। और ये ध्यान रखिएगा एक वर्कबुक में
आप 256 सीट ऐड कर सकते हैं। कितना सीट ऐड कर सकते हैं? 256। वर्कबुक क्या है? हम एक्सेल ओपन किए और उस एक्सेल में जो भी हम काम करें वो हमारा वर्कबुक है। वो क्या है? वर्कबुक। और उस वर्कबुक में हम कितना सीट ऐड कर सकते हैं? 256। क्या है ये सीट? अभी आप देख पा रहे होंगे ना, आपको बाय डिफॉल्ट कितने सीट दिखाई दे रहे हैं? नहीं, काफी सारा इसमें ऐड किया गया है। इसमें सीट की संख्या कम या ज्यादा किया जा सकता है। पहले चलिए हम इसको थोड़ा सा सेटिंग करते हैं। फाइल पे जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे? ऑप्शन में आने के बाद देखिए यहाँ पे लास्ट दिया गया कितना? 255। कितना? 255। 256 255 नोट करिएगा। कितना सीट ऐड कर सकते हैं? 255। एक ज्यादा हो गया है ना। अब ध्यान दीजिए, 255 है ना, तो आप यहाँ पे जितना कर देंगे, और हमने दो कर दिया ना, और यहाँ से क्या कर लिए? क्लोज करिए इसको और दोबारा से एक्सेल ओपन करिए, विंडो आर और एक्सेल। तो बाय डिफॉल्ट आपको कितना सीट मिलेगा इस पर? नहीं, बाय डिफॉल्ट दो सीट मिलेगा। कितना सीट? जितना वहां सेट किए रहे। सेट करने के लिए कहाँ जाना होगा? फाइल, ऑप्शन, और एक आपको दिखाई देगा इसका मेन्यू सीट। जितना सीट रखना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट उतना सीट यहाँ पे। फिलहाल हमने दो ही रखा, काम कर रहे थे। हमने पहले सीट पे दूसरा डाटा बना लिया, दूसरे सीट पे दूसरा डाटा बना लिया, तीसरे सीट पे अलग डाटा बनाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस वाले पर क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की भी होता है, नोट कर लीजिएगा। न्यू सीट ऐड करने का शॉर्टकट होता है शिफ्ट के साथ F11। क्या होगा? शिफ्ट के साथ F11। नया सीट ऐड करने का शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F11। F11 वर्कशीट, जैसे हम एक्सेल ओपन किए ना, तो वही हमारा एक्सेल का ही दूसरा नाम हमने बताया वर्कशीट होता है। वर्कशीट या वर्कबुक, वर्कशीट कहते हैं वर्कबुक। आ रहा समझे ना? ध्यान दीजिएगा, अब उसी वर्कशीट या वर्कबुक के अंदर हम कितना सीट ऐड कर सकते हैं? 255। आ रहा समझे ना? जिसमें सीट ऐड करने का शॉर्टकट हमने बताया क्या होगा? शिफ्ट के साथ F11। कैसे काम करेगा ये? अभी हमने तीन सीट ले लिया, तीन सीट पे काम कर रहा है। चौथा सीट लेना था शिफ्ट के साथ F11। एक और सीट आ गया यहाँ पर ना, हो जाएगा। तो ये इतना क्लियर हो रहा है सबको ना? एक्सेल क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, क्या काम करता है, ये क्लियर सबको ना? ये भी फार्मूला नोट कर लिया, कॉलम का नंबर पता करने के लिए इक्वल टू कॉलम। क्या करें? इक्वल टू कॉलम, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो बताएगा ये कितने नंबर कॉलम पे आप हैं। रो का नंबर तो लिखा ही है पहले से ही, रो का नंबर पहले से ही लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे 8 रो दे रहा है। लेकिन आपको यहाँ पता करना है, तो यहाँ पे भी लिखे इक्वल टू रो, ब्रैकेट ओपन, क्लोज और बता रहा आप कितने नंबर रो में है? 7। कॉलम के लिए कॉलम और रो के लिए नहीं, कुछ नहीं लिखना है हमको, कुछ लिखना ही नहीं है, बस इक्वल टू करना है। और यहाँ पे लिखना है रो, ROW, और ब्रैकेट को क्या करना है? ओपन, ब्रैकेट को क्लोज, ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देना है, और फिर इसकी वर्ड्स क्या कर लेना है? इंटर। बता रहा है कब आप 9 नंबर रो, हो जाएगा ना? तो लगभग अब ये एक्सेल का इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, कोई दिक्कत इसमें? पूछा जाए एक्सेल क्या है, हम ये कह सकते हैं कि एमएस एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, या एमएस ऑफिस का एक पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो एक डाटा बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल डाटा एंट्री करने के लिए किया जाता है, और इसमें टोटल रो की संख्या कितना होता है? 10,48,576। और टोटल कॉलम की संख्या कितना होता है? 16,384। लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है? XFD। इतना क्लियर है? अब इसके बाद हमने आपको बताया इसमें कि जहां हम कर्सर सेल जिस जहां क्लिक करेंगे वो हमारा एक सेल होगा, जो बॉक्स बना हुआ है वो हमारा क्या है? क्योंकि यहाँ पे कॉलम आ रहा है और इधर क्या हो रहा है? रो। तो जहाँ पे कॉलम और रो मिल रहा है वहां पे क्या बन रहा है? और वो सेल नेम दिखाया किसमें? नेम बॉक्स। चूंकि यहाँ पे अभी हम डी और सेवन में रखे, तो बता रहा है डी और डी कॉलम और सेवन क्या है?
क्लियर है ना। अब इसके आगे आप जो भी आप कुछ लिखेंगे ना, देखिए यहाँ भी दिखाई देगा और फार्मूला बार में भी दिखाई देगा आप क्या लिख रहे हैं। दिख रहा है क्लियर सबको? मैक्सिमम कितना सीट ऐड कर सकते हैं इसमें? 255। और नया सीट ऐड कराने का शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ या फिर, और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग टेबल पढ़े होंगे ना, पहाड़ा पहाड़ा आप लोग को लिखने में लगभग लगभग जो हम ये कहें 20 तक ही लिखना था, आप कितना समय लगाएंगे? 20 तक लिखना हो तो बाकी और लोग टाइम लगेगा ना। और हम ये कहें एक्सेल 2 मिनट 1 मिनट के अंदर लिख देगा तो करना कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा इसमें एक ऑप्शन आता है ड्रैग एंड ड्रॉप, आपसे इसमें क्या आता है ड्रैग एंड ड्रॉप। आप लोग जब एमएस वर्ड में जब टेबल बनाए थे ना तो सीरियल नंबर लिखने के लिए 1 2 3 सब में लिखना पड़ता है, लेकिन जब एक्सेल में काम करेंगे आपको सब में लिखने की आवश्यकता नहीं। हाँ तुमको 5 मिनट लगेगा ईमान से। इसमें करना क्या है आपको सिर्फ 1 लिखना है और 1 के नीचे क्या लिखना है 2 लिखना, 1 और। अब ध्यान रखिएगा इन दोनों को ही सेलेक्ट करना हो, सिर्फ यदि आप एक को सेलेक्ट करेंगे ना तो सिर्फ एक ही का आएगा। और आपको करना क्या होगा तो जो सेल बना हुआ है ना सेल के बगल में आप देखें यहाँ छोटा सा डॉट दिख रहा हो नीचे, छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, यहाँ पे जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो ऐसे बिल्कुल पतला सा बने बना हुआ है। पहले देखिए ऐसे था, इसके आउटलाइन पे लेके जाएंगे तो ऐसे बनेगा, चारों तरफ का एरो जैसा बना हुआ है ना, लेकिन जब इसके कॉर्नर पे लेके आए बिल्कुल पतला प्लस का आइकन बना, आ रहा समझे ना। तो कंट्रोल के साथ इसको ऐसे होल्ड बटन प्रेस करके और डाउन एरो प्रेस करके देखिए सिर्फ 1 1 आ रहा है ना, सिर्फ क्या आ रहा है 1। लेकिन हाँ हमको करना क्या है 1 2 3 लेके आना है ना, तो अब हमको करना क्या होगा दोनों को सेलेक्ट करना होगा 1 और 2 दोनों। अब दोनों सेलेक्ट है ना, अब कॉर्नर पे आ जाएंगे यहाँ पर पतला प्लस बना हुआ है, लेफ्ट वाला बटन होल्ड करेंगे और जितना तक चाहिए उतना तक क्या करते जाएंगे, इंट्रक्शन दे रहा है कहाँ तक जा रहा है 8 9 10 11 12 13 जितना तक चाहिए उतना तक ऐसे ड्रा करते हुए चले आ गया नंबर सबका हो जाएगा ना। तो किसके माध्यम से आया है, सिर्फ हमने लिखा था 1, क्या लिखे थे 1 नीचे दोनों को क्या कर लिए सर, और यहाँ कॉर्नर से क्या कर लिए ड्रा करते जहां तक चाहिए हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? अब रही बात टेबल लिखना, बहुत सिंपल, सबसे पहले 1 का आता है डेटा ना, 1 का पहले टेबल लिखेंगे तभी तो 2 का लिखेंगे ना, तो पहले 1 लिखिए और इसके नीचे क्या लिखिए 2, फिर उसके बाद किसका लिखेंगे 2 का, यहाँ पर हमने लिख दिया 2 और उसके नीचे 1 और उसके नीचे 2, 2 और उसके नीचे, बस ये 4 अंक आपको लिखना है, दिख रहा है ना। अब इसको सेलेक्ट करें चाहे पहले नीचे ड्रा करिए और चाहे पहले इधर ड्रा करिए जहां तक चाहिए, दिख रहा है ना। चलिए हम ले लिए, हमको बहुत दूर तक चाहिए 50 तक ले लिए, कहाँ तक ले लिए 50 तक, और फिर यहीं से ड्रा कर ले नीचे 10 तक, नीचे कहाँ तक, अब देखिए टोटली हमारा टेबल बन के तैयार है, कहाँ तक 50 बन जाएगा, ज्यादा टाइम लगा, खड़े जाती कुछ खड़े जा थोड़ा टेबल सुनाओ तो 17 का टेबल सुनाओ, भूल गया सर सब तुम बताओ जी, हम हाँ तुम 11 का बताओ, हाँ ऐसे बोलो इसका भी याद है, 13 का बताओ बस साफ बोलो याद लिया, तुम बताओ तुम 14 का बताओ, बैठ जाओ बताओ 14 का, हाँ टेबल 14 14 14 28 जो कि आप याद है बताओ,
क्या एक से पांच था याद है पूजा याद है? चलिए ध्यान दीजिए, बहुत कम लोगों को ही याद होगा। अब सबसे पहले हमको टेबल लिखना था तो हमने क्या किया, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने लिख दिया क्या यहाँ पे वन टू, कॉलम में पहले लिखना है कॉलम में वन और टू, दूसरे कॉलम में लिखना है टू और उसके नीचे हो जाएगा ना, दोनों को सेलेक्ट कर चारों क्या कर लेना है कॉर्नर पे आ जाना है, पहले दस तक नहीं तो नीचे ड्रा कर लेंगे और फिर उसके बाद जहां तक आपको टेबल चाहिए वो वहां तक ऐसे ड्रा करते हुए हो जाएगा ना। पढ़ो देखो किसका किसका कितना कितना दिया, 17 का 17 दुना 34 17 51 उसके नीचे 68 50 102 19 यानी कि 119 136 53 उसके नीचे हो जाएगा, निकाल ले जाएंगे ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको कहां तक टेबल निकालना है, अगर आप चाहते हैं 100 तक टेबल निकालना ना उसके आगे तक भी निकालना चाहते हैं बस यहाँ पे सेलेक्ट करें और ड्रा करके चले जाइए जहां तक आपको चाहिए हो, 200 तक ला दिया जाए 200 तक भी आ जाएगा। देखो दो सौ दुना हो जाएगा ना, निकाल ले जाएंगे सभी लोग, कोई दिक्कत इसमें? हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, हाँ तुम कल आओ फिर तुमसे पूछते हैं कल अब ध्यान दीजिए करना क्या है, अभी कई लोग ऐसे जब काम करने जाएंगे ना ऐसा हो सकता है ना कि जब इस पे क्लिक करते हैं ऑप्शन दिखाई देगा और जब पेज पे क्लिक करते पुनः ऑप्शन क्या हो जाएगा हाइड हो जाएगा, आ रहा समझे ना, जब भी ऐसा है या तो आप टैब पे डबल क्लिक कर दीजिए लगातार दोबारा लगातार डबल क्लिक कर देना है या तो फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा है ना ऑफ एरो की जैसा, जब यहाँ क्लिक करेंगे ना तो दिखाई देगा ऑटो हाइड रिबन, क्लिक कर दें तो सारा का सारा हाइड रहेगा, क्लिक करें तो आएगा और इस पे काम करने आएंगे पुनः क्या हो जाएगा हाइड, और यदि इसी पे हम आ करके सो टैब कर दे सिर्फ टैब दिखाई देगा बाकी और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं, और यदि इसी को हटा हम कर देंगे सो टैब एंड कमांड्स तो सारा ऑप्शन दिखाई, क्लियर सबको ना, तो ये क्या एक्सेल क्या है इतना तो लगभग सबको समझा रहा होगा ना, कर ले जाएंगे लोग, हाँ ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, एक्सेल में टोटल कॉलम की संख्या 16384 और टोटल रो की संख्या 10,48,586, लास्ट कॉलम का संख्या नाम क्या होगा एक्स एफ डी, कॉलम का कॉलम नंबर पता करना या रो नंबर पता करना हो जाएगा कॉलम के लिए इक्वल टू कॉलम हो जाएगा ना, और रो के लिए इक्वल टू बस लास्ट में ब्रैकेट को ओपन क्लोज करके फिर क्या कर लेना है इंटर कर जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? चलिए ये आज आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन समझ के आइएगा और अगली क्लास में आपको बताएंगे इसमें स्टूडेंट डाटाबेस बना क्या बनाने के लिए स्टूडेंट डाटाबेस बनाने, इतना क्लियर सबको ना, ये आज आप लोग इतना पढ़ के आइए लोग, सर सर।